सतिकाल टू एवरीवन, अमन दिस साइड, योर योगा एंड फिटनेस ट्रेनर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो चलो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग मिथ अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। कुछ लोगों को काफी टाइम योगा करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। दिस इज द टॉपिक कि हम लोग मिथ ब्रेक कर रहे हैं जो कि एक लोगों ने बना रखा है, और रियलिटी कुछ अलग होती है उससे जो लोगों को पता होती है। और ये पर्सनली बोला जाए तो जितना आपको एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। और बीइंग अ योगा टीचर, आई टू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती है। सो आज मैं आप लोगों को वही सीक्रेट बताने के लिए सामने आई हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने किसी को ये बोलते हुए सुना है कि यार मैं तो एक साल से योगा कर रहा हूँ, मैं लास्ट 6 ईयर से योगा कर रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, मैं 15 मिनट का पाल भाती, 15 मिनट अनुलोम करता हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात, योगा और आयुर्वेदा दोनों कंबाइंड टर्म है। कभी कभार सिर्फ योगा से रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको आयुर्वेदा की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड सेकेंडली, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी अवॉइड करनी होती है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज अवॉइड करनी होती है जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है। तो वही मैं आपके सामने रिवील करने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिनको कुछ स्पेसिफिक लाइक कुछ जिन लोगों को स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। सब लोगों को ये पता है कि आप लोगों को कपालभाती और अनुलोम विलोम डेली करना चाहिए, वो ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छी करता है और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाइपरटेंशन, हाइपर एसिडिटी में आपको कपालभाती अवॉइड करना है, और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो वो सारी अवॉइड करनी है। ये सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सीक्रेट है जो आपको ध्यान रखना है कि अवॉइड वो एक्सरसाइज जो कि आपकी नसों को और ज़्यादा खिंचाव देंगी। तो उसमें सबसे पहले कपालभाती, जब भी हाइपरटेंशन हो या फिर हाइपर एसिडिटी हो, कपालभाती अवॉइड करनी है। कब तक अवॉइड करनी है? स्टार्टिंग के 15 to 20 days बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ नाड़ी शोधन करो, अनुलोम विलोम करो, वो भी करने का तरीका है। अगर आप अनुलोम विलोम भी गलत तरीके से कर रहे हो तो आपका इशू और इंक्रीज होने वाला है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो वो चीज़ करो। और सेकेंडली, भ्रास्त्रिका नहीं करना है। भ्रास्त्रिका जिसमें आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो, दिस इज भ्रास्त्रिका, ये मतलब अच्छा प्राणायाम है, लेकिन अगर आपको हाइपर एसिडिटी या फिर हाइपर टेंशन है तो आप इसको अवॉइड करोगे। इसकी जगह आप क्या करोगे? नॉर्मल डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट। एफर्टलेस ब्रीदिंग करनी है, स्मूथ ब्रीदिंग करनी है फर्स्ट रूल। एंड सेकेंडली, कपालभाती बिल्कुल हटा दो फर्स्ट 20 days के लिए। उसकी जगह आप सबसे पहले करोगे नाड़ी शोधन। मैं कहती हूँ अनुलोम विलोम भी आप थोड़े दिन के बाद करो, पहले आप नाड़ी शोधन में प्रैक्टिस अच्छे से बना लो, उसके बाद आप अनुलोम विलोम पे मूव करोगे। सो फर्स्ट इज लेफ्ट टू लेफ्ट ब्रीदिंग, फॉर दैट ब्लो को राइट नोस्ट्रिल और फोर्थ फिंगर लेके जानी है आईब्रो सेंटर में, इससे आपका फोकस, और यहाँ पे ध्यान मुद्रा में आना है। नाउ ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट साइड, होल्ड अ ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5। नाउ ब्रीद आउट फ्रॉम सेम साइड, अगेन ब्रीद इन, होल्ड, 1 2 3 4 5, ब्रीद आउट सेम साइड। ये आप करोगे लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट ब्रीदिंग 10 each side। स्टार्टिंग करना है 10 times, उसके बाद आप इंक्रीज कर सकते हो, होल्ड इंक्रीज कर सकते हो, 5 to 10 आ सकते हो, और क्रैप्स भी इंक्रीज कर सकते हो आप 10 to 15 20, जितने आप कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड इज लेफ्ट टू राइट ब्रीदिंग। स्ट्रेस के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए जिसमें एसिड रिफ्लक्स होता है उस केस में, और थर्ड वन इज हाइपर टेंशन, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है लेफ्ट टू राइट ब्रीदिंग। तो उसको करोगे कैसे? Close the right nostril, take a fourth finger in between your eyebrow center like this. Now close the eyes, just have a focus on your breathing. Breathe in from left side. Hold the breathing. 1, 2, 3, 4,
5. Now breathe out from opposite side. You'll do it 10 times. Same 5 के साथ hold करोगे. उसके बाद breathe in from left, breathe out from right. सिर्फ यही करना है अभी के लिए. अगर आप थेरेपी में जा रहे हो, थेरेपी के लिए कर रहे हो, स्टार्टिंग करो 10 रेप्स, 15, 20, 50, 60, जितनी आपका स्टेमिना उतना आप कर सकते हो, उतना ही आपके लिए इफेक्टिव है. दिस इज सेकेंड एक्सरसाइज. थर्ड वन इज शीतली. सो ध्यान मुद्रा में आना है. टेक अ टंग आउट, रोल इट, रोल करना है टंग को. नाउ ब्रीद इन, breathe in from mouth and breathe out from nose. Normally हम लोग breathe in from nose करते हैं and breathe out from mouth करते हैं इसमें hypertension में या फिर hyper acidity में, लेकिन शीतली में आप breathe in from mouth and breathe out from nose. So we'll do it one more time. ये आप करोगे 3 से 4 बार आराम से कर सकते हो. Another is शीतकाई. शीतकाई में आप अपने दांत ऐसे बंद करोगे और ब्रीदिंग करोगे अपने माउथ से. दांतों से आप ब्रीदिंग करोगे और ब्रीद आउट फ्रॉम नोज. ये भी आप 5 times रिपीट करोगे. दोनों में से कोई भी रिपीट कर लो, कोई भी यूज कर लो, शीतली या शीतकाई, वो आपके ऊपर है. बट ये आपको कूल डाउन जरूर करेगा जब भी हाइपर एसिडिटी की या फिर हाइपर टेंशन का इशू हो. स्ट्रेस में भी काफी इफेक्टिव है. तो दिस वन. नेक्स्ट वन इज भ्रामरी. भ्रामरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है स्ट्रेस को रिलीव करने का, माइंड काम करने के लिए. सो नाउ विल डू नेक्स्ट भ्रामरी. फॉर दैट थंब का यूज करना है आपको. ईयर क्लोज करने हैं. सेकंड और थर्ड फिंगर से आईज क्लोज करोगे. नाउ ब्रीद इन, हम साउंड प्रोनाउंस करनी है आपको जैसे भवरा करता है. अगेन ब्रीद इन, ऐसे 5 करोगे. फिर हाथ नीचे लेके आना है. नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. डू इट 5 times. उसके बाद में अपने हाथ आपस में रगड़ने और आंखों पे लेके आओगे. उसके बाद आंखें खोलनी है. लास्ट है ओम चैंटिंग. ओम चैंटिंग बहुत जरूरी है जब भी आप मेंटल कामनेस के लिए योगा कर रहे हो. सो नेक्स्ट वन इज टेक योर हैंड्स हियर. नाउ ब्रीद इन, फर्स्ट क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर माइंड, स्ट्रेट योर बैक मसल्स. नाउ ब्रीद इन, we'll do this om chanting 5 times, then do normal breathing 5 times. Just have a focus on your breathing. उसके बाद में आप हाथों को आपस में रगड़ोगे, आंखों के ऊपर लेके आना है और फिर आंखें खोल देंगे. That's all. ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑफ हाइपर टेंशन और हाइपर एसिडिटी के लिए कर सकते हो. बहुत सारे डाइटरी चेंजेस भी आपको करने पड़ते हैं जब भी आप किसी थेरेपी के लिए कर रहे हो, तो वो भी ज़रूरी है. उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. दैट्स ऑल. होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जस्ट गिव अ थम्स अप. और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियो. नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए. दैट्स ऑल. कैच यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.